हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिग बॉस 14 के बारे में। बिग बॉस 14 सीनियर्स चले गए, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो गई। बिग बॉस में हमें फाइनली वो धमाका देखने को मिला जिसकी फैंस को, लोगों को उम्मीद थी। कविता कौशिक जैसे ही घर में कैप्टन बनी, उन्होंने कैप्टेंसी दिखाई, किस तरह से कैप्टेंसी होती है, किस तरह से कैप्टन काम करवाता है। साथ ही साथ बिग बॉस के घर में अभी जो कैप्टन है कविता कौशिक, अब उनकी जगह नया कैप्टन कौन बनेगा उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, घर में एक टास्क रखा जाना है। सभी कंटेस्टेंट साइकिल के ऊपर बैठे होंगे, उनके पास कुछ दिया जाएगा जो उनको उस सामान को छुड़ा देगा या फिर वो कर देगा, निकाल देगा। उस तरह से कुछ आज टास्क होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि राहुल वैद्या जैस्मिन के हाथ से बैग एक छुड़ा देते हैं, एक बैग खींचते हैं और इतना ज़ोर से खींचते हैं कि वो साइकिल भी गिर जाती है, खुद जैस्मिन भी गिर जाती है। और ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं जैस्मिन कहती है कि ये लोग जो है चीटिंग क्यों करते हैं। यहाँ पे शायद टास्क दिया गया था कि जो साइकिल को चलाता रहेगा बैग के साथ, और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राहुल उस बैग को ही छुड़ाने की जो है कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दोनों जो है एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आपको तो पता ही कि जैस्मिन किस तरह से रिएक्ट करती है, और वो जो है इस दौरान जो है रो पड़ती है और सोफे पे जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये लोग जो है चीटिंग क्यों करते हैं गेम खेलते समय। वेल, ये सारी चीज़ें आपको आज कैप्टेंसी के टास्क में देखने को मिलेगी। ये कह सकता हूँ कि अभी कविता कौशिक जब तक घर में कैप्टन है तब तक तो घर जो है बवाल होने वाला है। घर में जो भी ब्रेक रूल करेगा, तोड़ेगा, जो ब्रेक रूल्स करेगा, वो कहीं ना कहीं कविता के जो गुस्से से हैं उनको मिलना पड़ेगा। लेकिन अब नेक्स्ट कैप्टेंसी में कौन जीतेगा वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है और कौन नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।